स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4 सवा 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम, उसके जीवंत उदाहरण है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आज क्षेत्र पंचायत के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 26 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी और उसके बाद 4 चरणों में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को ये चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें ग्राम पंचायत के लिए 58,189 में से 58,176 पे चुनाव संपन्न हुए थे। क्षेत्र पंचायत के 75,852 में से 75,852 क्षेत्र पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। ग्राम पंचायत सदस्य के 7,32,485 कुल सीटों में से सभी पर, यानी 7,32,485 पे चुनाव संपन्न हुए। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 826 में से 825 में आज चुनाव संपन्न हुए हैं, मतगणना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। जिला पंचायत की 3,050 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, जिनमें से 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अभी हाल ही में विगत सप्ताह संपन्न हुए हैं, यानी कुल 8,70,477 में से 8,70,463 ये चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मेंबर चुने गए, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, आज प्रमुखों का चुनाव हुआ है, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव हुआ है और इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पार्टी की जो रणनीति थी, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं का संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे।
73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और एक पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। क्षेत्र पंचायत के 825 क्षेत्र पंचायतों के लिए जो चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें 75,852 सदस्यों ने भागीदार बनकर के चुनाव संपन्न किया और आज जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 825 में से 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 14 अपने सहयोगी दलों को दिए थे, सहयोगी दल अपना दल एस को दिया था और 76 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, यानी दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही लड़ रहे थे। तो वहां पे हम लोगों ने उसको फ्रेंडली, उसको पार्टी की तरफ से उन दोनों को ये स्वतंत्रता दी थी कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर हम लोग पार्टी नहीं बनेंगे, वे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को वहां पर लड़ेंगे। यानी कुल 90 सीटें ऐसी थी जो हम लोगों ने फ्री छोड़ी थी, 14 अपने सहयोगी दल के लिए और 76 उन कार्यकर्ताओं के लिए जहां पे 2 भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर लिए थे और बाकी 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी समर्थित किए थे। उन्होंने समर्थन 735 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर अपना समर्थन दिया। आज जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान है उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर ये संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। मैं इसके लिए सबसे पहले इन सभी विजयी प्रत्याशियों को, हमारे 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बनेंगे, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों ने अपने समर्थन से जिला पंचायत के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, लेकिन उससे पहले ग्राम प्रधान के 58,176 सीटों पर परिणाम आए, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत के 75,800 के परिणाम आए, वहां पर इतने सदस्य बने और फिर ग्राम पंचायत के 7,32,485 सदस्य ग्राम पंचायत समिति के चुने गए, 870,463 कुल सदस्यों का चयन हुआ या इसके अध्यक्ष बने, इन सब का चयन हुआ। एक बहुत बड़ी चुनाव की प्रक्रिया थी इस, यानी दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग लगते हैं, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा भी। सभी विजयी प्रत्याशियों को